Assolutely no, Arena. मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? गुड इवनिंग रंजना, पल्लवी, धीरज, जीवा, अतुल, प्रज्ञा, अफरोज, गुड इवनिंग आप सबको। मेरी आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है? नमस्ते प्रीति। सबको प्रणाम। अजय, प्रज्ञा, पूनम, आप सभी को प्रणाम है। देखिए, आज के सेशन के अंदर हम लोग इस क्लास में ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोगों से मैं पूछूंगा और इसका जवाब मैं आप लोगों से लूंगा, और अगर आपको जवाब नहीं आ रहा होगा तो मैं उसका जवाब बताऊंगा। इस क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि कुल 50 प्रश्न मैं आपसे पूछूं, और इस 50 प्रश्नों का कोई ऑप्शन नहीं होगा आपको बताने के लिए, क्योंकि ऑप्शन प्री की परीक्षाओं में मिलते हैं, मेंस की परीक्षाओं में ऑप्शन नहीं होते। हाँ, मेंस की परीक्षाओं में कुछ बड़े क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें एक दो पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। इस सेशन के अंतर्गत ऐसे प्रश्न नहीं, तो ऐसे ही प्रश्न है जो कि वन लाइनर टाइप है और वही है जो कि मेंस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। एक मिनट का समय आपका लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ऑल इंडिया जुडिशियरी स्कॉलरशिप हो रही है, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंतर्गत आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और ये 13 नवंबर सुबह 11 बजे होगा। इसको आप ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको करना ये होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और इस लिंक में आपको दोनों चीजें बता दी जाएंगी। एक तो ये कि इसमें इनरोल कैसे करेंगे वो आपको मिल जाएगा, दूसरी ये कि इसके लिए सिलेबस वगैरह क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें उसमें हो जाएंगी। और आप उस लिंक के माध्यम से आप रजिस्टर्ड कर देंगे, फिर उसके बाद आपको 13 तारीख को टेस्ट देने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा सुबह 11 बजे। इस टेस्ट में अगर आप बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, जैसे रैंक 1 लाते हैं तो आपको टैबलेट भी फ्री में मिलेगा, और उसके अलावा रैंक 2 लाते हैं तो 5G स्मार्टफोन है, रैंक 3 से लेकर 7 तक ईयरबड्स हैं, रैंक 8 से लेकर 17 तक होम स्पीकर्स है, और रैंक 8 से लेकर 100 तक आपको गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं इस के अंतर्गत। आप इस टेस्ट को दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज इस सेशन को ले रहे हैं और आप लोगों को पसंद आएगा तो इसको हम अगले 3 दिनों तक और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस 3 दिनों के भीतर हम लोग 200 से ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को उतना नहीं जमेगा तो फिर हम इसको सेशन को बदल देंगे फिर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग रॉक, रोशनी, भीम, रंजना, पूनम, प्रज्ञा। शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की, पहले प्रश्न की। जैसे आप कमेंट में फटाक फटाक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आज का हमारा ये है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसका जवाब आप दीजिए। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
तत्काल बताइए नीतू, अनुपमा बताइए कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए बताइए, कितनी अच्छी चीज है कि आप लोगों का जब तैयार नहीं होगा तो तैयार भी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आप सही आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। हाँ तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है ये। बहुत सारे बच्चे केरल भी बता रहे थे, लेकिन चलिए बहुत ईमानदारी से आप आंसर दीजिए बस, और जब आप गलत करेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न, 50 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा इस सेशन के अंतर्गत। हाँ गूगल करके जवाब मत दे। रोवर्स कप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रोवर्स कप ये किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? हो सकता है आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा, क्योंकि लाइव क्लासेस में थोड़ा ब्लर रहता है, लेकिन बोल रहा हूं उसके हिसाब से दीजिएगा। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोहित, उजाला, प्रीति, धीरज, धीरज गड़बड़, अजय, अनुपमा, रंजना, ये ठीक है। रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। देखिए एक भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है कि जो हमने पीसीएस अरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से 50% तो वैसे ही है, 50% बनाए हुए क्वेश्चन है। चलिए ये भी हो गया फुटबॉल से रिलेटेड, जवाब सारे लोग दीजिए, क्योंकि सारे लोग नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए अब इसको। जितना संक्षेप में आंसर देंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है। कठिन सवाल हो गया ना। नहीं बेटा, गंगोत्री नदी से रिलेटेड है, दक्षिण गंगोत्री नहीं है। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, रंजना ने सही जवाब बताया है कि रिसर्च सेंटर है। वेरी गुड स्नेहिल, वेरी गुड उजाला, ये रिसर्च सेंटर है। अंटार्कटिका में स्थित भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका पर स्थित भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। अगला प्रश्न है कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नहीं बेटा कोमल, कलर यही सबसे बेस्ट है, यही कलर सबसे बेस्ट है, लेकिन वो समझ में आपको इसलिए नहीं आ रहा हो क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या होगी, तो इस वजह से नहीं समझ में आ रहा हो। कटक शहर किस शहर अरे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अप्रोच जी, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब सही आंसर आ रहा है, ये है महानदी के किनारे। कटक शहर किसके किनारे है? महानदी के किनारे। हम लोगों के कितने क्वेश्चन हुए? 4 हुए ना। अच्छा जब नदी के किनारे ही बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत
सूरत शहर किस नदी के किनारे है? ये आसान हुआ ना? ले धीरज गड़बड़ा रहे हैं, नीतू भी गड़बड़ा रही हैं, बाकी सही जा रहे हैं बच्चे, कोमल भी गड़बड़। हाँ सही, अब सब सही जा रहे हैं। तो सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और कटक कहां था? महानदी के किनारे था। बहुत बढ़िया तैयारी तो कुछ लोगों की मुझे लग रहा है। खैर अभी हमने बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे ही नहीं है, लेकिन अगर तैयारी अभी तक तो यही लग रही है कि नहीं ठीक है। ठीक है, हाँ इससे कुछ ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने गलत कलर चुन लिया था। नेक्स्ट है कि भारत का तीसरा प्रधानमंत्री कौन था? भारत का तीसरा प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, भारत का। कोई दिक्कत नहीं, हम आपके आंसर को देख ले रहे हैं, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा प्रधानमंत्री भारत का कौन है बताइए? उजाला सिंह, अजय कुमार, स्नेहिल श्रीवास्तव, आशीष कुमार पाठक, धीरज राय, भीम, अफरोज अहमद, प्रज्ञा पांडे, कोमल तिवारी, संजना रंजना। हाँ ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, ये हैं। हाँ प्रिया, हाँ श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। छठवां भी वही थी, छठवां भी और तीसरी भी। चलिए तो अभी तक तो आप लोगों ने सही बताया है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में, ये आपको बताना। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में, ये देखिए, ये तो सब जो सही बता रहा है। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसमें तो वेट ही करने की जरूरत नहीं, वेस्ट बंगाल में। हाँ पश्चिम बंगाल में है ये हल्दिया बंदरगाह। अरे हाँ, और अगर मैं आपसे पूछूं तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? हल्दिया बंदरगाह आपने बता दिया पश्चिम बंगाल में, तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन तूतीकोरिन बंदरगाह कहां है? वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। तूतीकोरिन बंदरगाह आपको मिलेगा तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन त से वो भी है और ये भी त से है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट एक और बताइए बंदरगाह से ही प्रश्न।
नेक्स्ट बंदरगाह से ही बताइए, मडगांव, मडगांव बंदरगाह कहां है, किस राज्य में, मडगांव बंदरगाह, मडगांव बंदरगाह किस राज्य में है, इसका जवाब दीजिए। देखिए समय हम लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं खर्च कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है कि 50 प्रश्न हम लोगों के इस सेशन के अंतर्गत हो जाए, और अगर मान लीजिए आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल वाले सेशन में जरूर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपना भी कुछ एक तो पेज लेके बैठिए और ये देखिए कि 50 में से कितना हम कर पा रहे हैं बिना किसी हेल्प के, 40 कर पा रहे हैं, 45 कर पा रहे हैं, 48 कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। इसमें ये तो होगा नहीं कि आप 50 में 20 करेंगे, ऐसे प्रश्न तो होंगे नहीं, 50 में 30 तो प्लस रहेंगे सब, लेकिन अब 30 50 में से 30 हैं कि 35 हैं कि 40 हैं, ये जानना जरूरी है क्योंकि वही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। हाँ, मडगांव जो है ना वो गोवा में, मडगांव बंदरगाह गोवा में। नेक्स्ट, जीएस तैयार करिए बच्चों, क्योंकि जीएस के बिना ना यूपी में दाल गलने वाली है ना बिहार में दाल गलने वाली है, ये सबसे टफेस्ट स्टेट है जहां जीएस की का रोल सबसे ज्यादा होता है, बिना जीएस के यहां सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मडगांव बंदरगाह के बाद एक और प्रश्न हमारा ये है कि साकेत नाम की पुस्तक लिखी किसने, साकेत किसकी रचना है, साकेत किसकी रचना है, बताइए। साकेत किसकी रचना है, अनुपमा पांडे का मुझे लग रहा है कि यह पहला प्रश्न मुझे गलत दिखाई दे रहा है, और अजय का भी, ये बच्चा स्नेहिल सही बता रहा है और उजाला भी गलत बता रही, कृष्णा गलत, नीतू सही, कोमल गलत, रंजना गलत, धीरज गलत। अरे इतनी फेमस बुक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, एकदम फेमस उठाया था मैंने कि आप लोग एक आध मूड फ्रेश भी करते चले, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की रचना, बहुत बढ़िया। जब बुक की बात हो रही है तो एक आठ बुक और पूछ लेते हैं। अगला सवाल रहेगा हमारा कि लाल सलाम ये किस राइटर का लिखा हुआ है, लाल सलाम नाम की बुक किसने लिखी है, लाल सलाम, बताइए। सौरभ आनंद बहुत बढ़िया, याला आशीष, अजय, धीरज, कोमल, अरे पहली बार सुना, इतनी बढ़िया फेमस पुस्तक है ये। देखिए अगर फेमस नहीं होती तो सारे लोग जवाब कैसे देते फिर। हाँ बहुत सही, स्मृति ईरानी महोदया ने लिखा है, स्मृति ईरानी, लाल सलाम। अभी तक आप लोगों की परफॉर्मेंस ठीक ठाक जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। नमस्ते सुलेखा बेटा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बहुत तेज है यार आप लोग, उत्तराखंड के, हाँ करंट अफेयर्स भी है इसमें,
करंट अफेयर्स के ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं और रोज रखूंगा मैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम मैक्सिमम लोग सही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे दिमाग में आप लोगों को ये चल रहा होगा ना कि पता नहीं कौन यार, मुंह में ही है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा होगा, तब से कमेंट में वो नाम दिख गया तो तुरंत आपने नकल मार के लिख दिया। वहां पे ऑनेस्टी बरतिएगा कि नकल की हेल्प न लीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप नकल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, वेरी गुड। अच्छा, इसी की अगर मैं पूछ दूं, इसी का मैं अगला सवाल इसी से रिलेटेड पूछ दूं कि यहां के राज्यपाल का क्या नाम, उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है, ये मैं पूछूं तो क्या बताएंगे? क्योंकि प्रश्न तो बनते हैं, मुख्यमंत्री भी पूछा जाएगा आपसे और राज्यपाल भी आपसे पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम? इसका नाम जो, इनका नाम जो है वो है गुरमीत सिंह। ठीक है, अगर राज्यपाल पूछा जाए तो गुरमीत सिंह, पुष्कर और गुरमीत, ये दोनों लोग हैं। नहीं नहीं कृष्णा कुमार, अब वो जमाना चला गया, तो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और ये हो जाएगा, चलिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, ये भी बता देंगे, जब उत्तराखंड बता दिए, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या बता रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड। प्रेमा खांडू नहीं है, इतना प्रेम नहीं बरसता है, पेमा खांडू है। हाँ, ये पेमा खांडू जी हैं, नाम थोड़ा स्पेशल है, याद हो जाता है, पेमा खांडू। पेमा खांडू जी हैं। चलिए जब यही बता रहे हैं तो इसका राज्यपाल भी बता दीजिए फिर, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी नाम बता दीजिए, बताइए राज्यपाल का नाम। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपको करना हो सुलेखा करिए, कोई बात नहीं है, जो डिपार्टमेंट कमजोर है उसी में ताकतवर होने की सबसे ज्यादा संभावना है। हाँ, बहुत सही बता रहे हैं। ये हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का जो नाम है वो है बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा जी हैं, अक्सर समाचार चैनलों पर बहस में आते हैं, बीडी जत्ती नहीं है, बीडी मिश्रा है। हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है। अगला सवाल कि भारत का महान्यायवादी कौन है इस समय, भारत का महान्यायवादी कौन है? बस एक घंटे का समय आप रोज निकालिए, चार पांच दिन छह दिन जो भी हम लोगों के पास समय है, पांच तारीख या छह तारीख के बाद में नहीं कराऊंगा, तो पांच दिन छह दिन समय निकालिए ताकि आप लोगों का अच्छा खासा 200-400 प्रश्न तैयार हो जाए। भारत के महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उनका क्या नाम है?
कोई जल्दी जरूरी नहीं है कि जल्दी से आंसर दे दें, हम वेट करेंगे आप लोगों के आंसर का, तो ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर दे दें। यू ललित को भी घुसा दे रहे बच्चे तो। हाँ, ये महान्यायवादी, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि महान्यायवादी अगर पूछा जाए तो आर वेंकट रमणी है ये, आर वेंकट रमणी, ठीक है, आर वेंकट रमणी हैं। और ये हैं कौन से वाले नंबर के, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, 15वें है ये 15वें। अगर मान लीजिए वहीं पे पूछ दे कि 14वें कौन है, तब आपका आंसर सही होगा के गोड़ी वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ठीक है ना, ये 14वें है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि पेपर पुराना बन जाता है, ठीक है, और आपको ये डाउट में है दिमाग में कि क्या पता वो पेपर पुराना वाला हो कि नया वाला है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखेंगे, तो उसको आप वही लिखिए जो इस समय है, बहुत करिए तो उसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक बताइए कि कौशल्या मातृत्व योजना जो है, कौशल्या मातृत्व योजना, ये किस राज्य से संबंधित है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य से संबंधित है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य से संबंधित है, ये योजना संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से, जिसमें अगर लड़की जन्म लेती है तो उसके मां को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, 17 नंबर प्रश्न है, ये आपका एब्रिविएशन है। अब आपको बताना है HRIDAY हृदय का फुल फॉर्म क्या है, सोच के लगाइएगा, कौशल विकास शायद यूपी से है ना, कौशल्या मातृत्व योजना शायद छत्तीसगढ़ से। और नेहा नमस्ते, गुड इवनिंग, ये बताइए हृदय का फुल फॉर्म क्या होगा, हृदय का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि फुल फॉर्म का सामना करना पड़ेगा आपको, और कुछ ऐसी चीजों को भी याद रखना होगा जो करंट से रिलेटेड है। ये लिखने में आपको टाइम लग रहा है, मैं वेट कर रहा हूं आपका। हृदय क्या है, ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन देंगे तो कौन नहीं बता देगा, बताइए। चलिए मैं जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो सकता है, हो गया मैं, इसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी, बहुत बढ़िया अनुपमा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया अतुल, हाँ हेरिटेज सिटी
डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड आर्ग्यूमेंटेशन आर्ग्यूमेंटेशन योजना ये है, और ये याद करिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है भी, मुझे ध्यान ही नहीं था, उसको क्लियर करिए। तो ये आपका हृदय का है, उसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ये है प्रश्न क्वेश्चन नंबर, ये है शायद, अब बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का, ये कौन जीता था? आसान सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये किसने जीता है? मेल ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल किसने जीता है 2022 का? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, सही जवाब जा रहा है आप लोगों का। अब ये सारे प्रश्नों में अगर आप 70% कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। 70% बहुत अच्छा आएगा, इसलिए है क्योंकि जब परीक्षाएं आप देते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन तो रहते हैं, जैसे 8 में 5 कर रहे हैं ऐसा रहता है ना, तो आपको 5 तो आ ही जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कितने हैं? राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है। चलिए अब आपके मन का प्रश्न फिजिक्स हो गया। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में? हीराकुंड बांध किस राज्य में, ये बताना है आपको। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? जिसको भी लग रहा है कि मेरा आंसर बाद में आ रहा है, मुझे बातें बाद में पहुंच रही है, तो उसका उपाय यह होता है कि एक बार बाहर निकलिए यूट्यूब से और रीज्वाइन करिए, तो वो फिर से टाइमिंग कुछ कवर कर लेता है। तो हीराकुंड बांध कौन से राज्य में है? आप लोगों का सही आंसर जा रहा है, ये है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, और किस नदी पर है? तो महानदी पर है, ठीक है। अगला प्रश्न कर लीजिए। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि मेघालय की राजधानी कहां है? मेघालय की राजधानी कहां है? मेघालय की राजधानी कहां है बताइए। बहुत अच्छा, मेघालय की राजधानी कहां है? तो ये है, एकदम गलत भी बच्चे बता रहे हैं लेकिन ठीक है, ये शिलांग है ना, शिलांग है मेघालय की राजधानी। वैसे मैं क्वेश्चन मेरा गलत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप तो इधर उधर करूं तो उसको करेक्ट करिएगा, मेघालय की राजधानी शिलांग है। चलिए अगला प्रश्न फटाक से, ऐसा ही राजधानी ही एक तो और बता दीजिए। मिजोरम की राजधानी कहां है?
मिजोरम की राजधानी कहां है? अब वो वाला बता दीजिए जो पिछला बताया था, एक आध बच्चों ने मिजोरम का ही बता दिया था मेघालय वाले ने। ये आ रहा है आंसर, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रश्न करा दूं, लेकिन टाइम उसी स्पीड से भाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य किसकी रचना है बताइए? फिरोज अहमद, उजाला, कृष्ण, भीम, धीरज, अजय, प्रज्ञा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों जवाब। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य जो लिखा है पतंजलि ने लिखा है, बहुत सही, पतंजलि ने लिखा है। सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये हो जाएगा, खेतड़ी एक तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, खेतड़ी, ये खेतड़ी किस राज्य में, खेतड़ी नामक आगे एक स्थान है वो किस राज्य में? खेतड़ी नाम का स्थान किस राज्य में, ये भी आप बता सकते हैं। महाभाष्य बेटा पतंजलि था और खेतड़ी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ये खेतड़ी नाम का स्थान आपको मिलेगा राजस्थान में, और क्यों है? तांबा उत्पादन में एक नंबर है ये, समझ लीजिए। अच्छा इसलिए, बहुत बढ़िया केस है ये भी, तो खेतड़ी भी राजस्थान में, मतलब आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता था। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर, मेघालय की राजधानी शिलांग है, मिजोरम की आइजोल है, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी और खेतड़ी राजस्थान में। अब हम अगला स्लाइड लेते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं, और अगला हमारा सवाल ये हो जाएगा कि जर्मनी की राजधानी कहां है? जर्मनी की राजधानी कहां है? जर्मनी की राजधानी कहां है बताइए? अभी कठिन है, इसका जवाब दीजिए आप। अरे वाह, जर्मनी की राजधानी हाँ ये बहुत ज्यादा लोग सही बता रहे हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अब ये बात और है कि इसी में कुछ बच्चे ब्राजील बता दे रहे हैं, लेकिन बर्लिन है ना, हाँ जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो ये भी बता दीजिए कि ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान का तो बर्लिन से आसान है, ईरान की राजधानी कहां है? कृष्ण कुमार, प्रज्ञा, अफरोज, अजय, दिव्या, अनुपमा, संजना, धीरज, प्रीति, उजाला, नीतू चली गई क्या भाई? नीतू का दिखाई नहीं दे रहा कुछ, सुलेखा, मोहित, वेरी गुड, ईरान का तेहरान,
राम राम तो दोनों में लास्ट में है ही, ईरान कब तेहरान, वेरी गुड। सुभद्रा चौधरी और हैं शाह बनाज। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर झील ये कहां पर है, सांभर झील कौन से स्टेट में है, सांभर झील कौन से स्टेट में है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है ना कि अब से आप विदेश की बात कर रहे हैं तब से तुरंत लोकल आ गया। सांभर झील सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, हाँ ये राजस्थान में। अब आप सोचेंगे कि अच्छा दिमाग में बना क्या रहता है कि जो बच्चे राजस्थान के नहीं, जो बच्चे का मतलब जो लोग राजस्थान से रिलेटेड नहीं होते हैं उनको लगता है कि राजस्थान में खाली बालुए रहती है, वहां झील कहां से आ जाएगी, नहीं है ये झील वैसे राजस्थान में। एक और चीज बता दीजिए आप, पुष्कर झील भी बता दीजिए, पुष्कर झील कहां है, पुष्कर झील पुष्कर झील कहां है, सही है ये भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में ये पुष्कर झील भी। हाँ पुष्कर स्थान का, पुष्कर में मेला भी लगता है राजस्थान में, ये पुष्कर का मेला वहां भी लगता है, लेकिन पुष्कर झील भी है बेटा। अच्छा एक चीज और बताइए, ये बीजापुर किस राज्य में पड़ता है, बीजापुर किस राज्य में पड़ता है, बड़ा नाम सुना है हम लोगों ने बीजापुर का, बीजापुर और गोलकुंडा पर औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। तो बीजापुर किस राज्य में, हाँ ज्यादातर लोगों के तो आंसर मुझे सही ही आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो गलत भी बता रहे हैं इक्का दुक्का। बीजापुर वास्तव में है वो सिचुएट करता है कर्नाटक, कर्नाटक में, और संभवतः बीजापुर में ही है क्या गोल गुंबद है ना, गोल गुंबद है ना वहीं पे। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न आ जाएगा, नेक्स्ट आपका प्रश्न आ जाएगा, रानीगंज किस राज्य में पड़ता है, रानीगंज किस राज्य में पड़ता है, कुछ बच्चों के तो आसपास होगा तो वो तो बता ही देंगे, कुछ लोगों के तो आस ही पास रानीगंज पड़ता है घर के। ले ये कक्का जो है छत्तीसगढ़ में भेज दे रहे हैं, रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, हाँ ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला सवाल मेरा हो जाएगा कि डाल्टेनगंज किस नदी के किनारे, डाल्टेनगंज जो है वो किस नदी के किनारे, ये बताइए,
50% हो रहा है कि नहीं, हम तो देख रहे हैं तुम्हारा सही आ रहा है बार बार। डाल्टेनगंज किस नदी के किनारे बसा है? कृष्ण कुमार, सोनू यादव, धीरज। डाल्टेनगंज का नाम नहीं सुने? अरे जब जाते हो ना रांची एग्जाम देने के लिए तो बीच में डाल्टेनगंज पड़ता होगा। हाँ ये भी बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि सब में गंज क्यों लगा हुआ है। अब उसका सलूशन दूसरे क्लास में निकालेंगे उस गंज का। हाँ डाल्टेनगंज हम प्लेस नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि डाल्टेनगंज किस नदी के किनारे है, ये हमारा प्रश्न है। नहीं सोन नदी नहीं। हाँ ये है अफरोज जी सही है। देखिए तो नानी का घर भी है तब तो बहुत बहुत अच्छे से पता है। हाँ कोल नदी है, इसको डाल्टेनगंज कोल नदी के किनारे है। कोल नदी के किनारे ठीक है। हाँ उसका प्रोनाउंसिएशन आप चाहे कोल कर लीजिए चाहे कोयल कर लीजिए, वैसे कोल ही कहते हैं। हाँ एक और कठिन सवाल है, इसका भी जवाब अगर आप बता देंगे, मैं सबका जवाब देखूंगा इस क्वेश्चन में, इसका जवाब अगर आपने बता दिया तो मानेंगे कि आपका जीएस तैयार है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, इसका जवाब बताइए तो मैं जानू कि सही है। अरे बड़ा तीज है भाई आप लोग, हमको लग रहा था कि मैं बड़ा कठिन सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मुझे लगा कि मैं कठिन सवाल पूछ रहा हूं, तब से आप लोगों ने इतना ज्यादा आक्रमण बोल दिया कि मैं चुप ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग सही जवाब दिए। कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे है ये विजयवाड़ा, संभवतः आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हाँ अब चलिए अब आपकी बुद्धि का परीक्षा लेते हैं दूसरे तरीके से। बताइए ये जिसको हम चोगम कहते हैं ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए तो। चोगम का फुल फॉर्म क्या है? हाँ सुभद्रा बिल्कुल सही है, हमने बताया भी था कि इसमें 50% क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही हो। नहीं तुमको नहीं पड़ेगा, तुमको रांची जाने में नहीं पड़ेगा। चोगम का फुल फॉर्म क्या है? CHOGM। नहीं पता? बेटा YouTube पर जो हमारे क्लास की टाइमिंग है वो 4:30 बजे है, और अभी कुछ दिन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं 3-4 दिन कम से कम यही क्लास करा देता हूं। क्योंकि जहां कहीं भी जीएस का क्लास चल रहा है चाहे जीएस पढ़ाया जा रहा है वो सब इस एंगल से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सारी परीक्षाओं को टारगेट करें, क्योंकि एक परीक्षा को टारगेट करके जीएस पढ़ाने वालों की संख्या कम है, वो पढ़ाते ही नहीं, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि यूट्यूब पर भी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि उनका व्यूज ज्यादा है, तो किसी पार्टिकुलर एक एग्जाम को करेंगे तो नहीं व्यूज आएंगे, तो वो जीएस का तो एरिया इतना ज्यादा ब्रॉड है कि उसमें सब कुछ पढ़ के कैसे आप कर सकते हैं, तो कुछ न कुछ हमको कन्फाइन रहना पड़ता है। बहुत बढ़िया सोनू यादव। हाँ लेकिन दिव्या तिवारी ये पूरा सही बताई है काम। अब इसमें लिखने में तो हमको थोड़ा सा लग जाएगा टाइम। इसका फुल फॉर्म होता है कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, दिव्या तिवारी ने लिखा हुआ कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ
गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। रंजना आपका मैंने देखा नहीं, आपने भी देखा था क्या? देखा नहीं बेटा। हाँ, रंजना आपका भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, इसका तो बता देंगे, ये बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नालको, ये छोटा सा है, इसका तो आप बता सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम लोग अपना टारगेट पूरा कर पाए, जो 50 क्वेश्चन वाला टारगेट है वो पूरा हो जाए। अरे वाह नेहा, आपने तो एकदम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो हम लोग अर्थ है उसका समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया। बताइए नालको, ये छोटा सा है। बहुत सही। अच्छा, फुल फॉर्म के नाम पर आपकी बैटरी क्यों गुल हो जा रही है? आंसर उतने ज्यादा आ ही नहीं रहे, जबकि आसान भी पूछ दो तो भी, या कठिन पूछो तो चलो मतलब ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोदी इंडिया कॉलिंग, ये पुस्तक लिखी किसने? मोदी इंडिया कॉलिंग, मोदी इंडिया कॉलिंग, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये मुझे उम्मीद है कि मोदी इंडिया कॉलिंग, इस पुस्तक का राइटर कौन है? ये प्रश्न का जवाब दीजिए आप, मोदी इंडिया कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? नेहा आपका आंसर पीछे हो गया, और रेड कलर का उस पे जो लाइव दिख रहा होगा उस लाइव को टिक क्लिक करेंगी तो मैं आ जाऊंगा, मतलब साथ में हो जाएगा आपका मोदी इंडिया कॉलिंग। चलिए अब मैं आपके आंसर का इंतजार कर लिया, क्योंकि ये चांदमल कुमावत, चांदमल कुमावत, चांदमल कुमावत, ठीक है। हाँ अब एक मिनट बेटा, आ रहा है चांदमल कुमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, ये किसने लिखा है? फियरलेस गवर्नेंस, ये एक सेकेंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको। फियरलेस गवर्नेंस, हाँ वेरी गुड। भैया ये आईपीएस रही है तो कहां के डरेंगे किसी से। तो ये फियरलेस गवर्नेंस जो है किरण बेदी जी की रचना है, जो कि फर्स्ट आईपीएस हैं महिला, फियरलेस गवर्नेंस। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस के बाद द मेकिंग ऑफ आधार, द मेकिंग ऑफ आधार,
आधार, ये किसने लिखा है? द मेकिंग ऑफ आधार। हाँ बेटा, तो हम कहां कर रहे हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं। मेकिंग ऑफ आधार, ये सारे बुक भले आपको न पता हो लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मेकिंग ऑफ आधार जो लिखा है राम सेवक शर्मा ने लिखा है, राम सेवक शर्मा ने लिखा है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम सेवक शर्मा, जिनका भी मैं कह रहा हूं कि जो भी लग रहा है कि वो मुझसे पीछे हो गए, वो अपने को अपडेट कर सकते हैं कि वो रेड बटन को क्लिक करें, चाहे फिर से ज्वाइन करें, तो उनको जो है टाइमिंग, हमारी टाइमिंग से उनको मेल खा जाएगी। अच्छा ये बताइए कि फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए ये जवाब तो बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आया। हाँ, एक आपका मूड फ्रेश करने वाला प्रश्न रहना चाहिए। और खैर परीक्षा में भी ऐसे सारे प्रश्न नहीं होते, हम तो बता ही रहे हैं कि आपको 70% क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे, 60% तो आएंगे उस परीक्षा में। इस परीक्षा में हो सकता है कि आपको 60 के आसपास आ रहा हो, क्योंकि जितना आप उसमें सही करेंगे उससे थोड़ा सा कम आप इसमें सही करेंगे। फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है, क्योंकि फेसबुक का एक्चुअल में नहीं है, फेसबुक बहुत सारे चीजों का ग्रुप है, तो फेसबुक एक एप्लीकेशन है, उसका नाम नहीं बदला गया है। अब फेसबुक के अंतर्गत फेसबुक भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसका नाम बदल के मेटा कर दिया गया। चलिए अब अगला बताइए, रास द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप पर, तो रास द्वीप का नाम बदलकर कौन क्या कर दिया गया है? रास द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सही नहीं बेटवा नेहा, नहीं कृष्णा, ये तो सही पकड़ लिए हैं आप लोग, सही जा रहा है। ये सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसको कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया, बड़ा नाम बदला है, बड़ी संझट हो गई हम लोगों को। तो रास द्वीप, सुभाष द्वीप, ये दोनों मिल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रास और सुभाष। तो ये रास द्वीप को बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। अगला फिर ऐसा ही एक प्रश्न होगा, और ये प्रश्न होगा, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? हैवलॉक द्वीप, ये रॉस द्वीप को आपने सुभाष चंद्र बोस बता दिया, अब हैवलॉक द्वीप का भी नाम बदला है। हाँ बेटा बहुत बदल गया है, श्यामला को पता नहीं क्या क्या कर देंगे सब। हाँ ये सही जा रहे हैं आप, हैवलॉक द्वीप को बना दिया गया है, हैवलॉक द्वीप को बना दिया गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, हाँ स्वराज द्वीप है, तो रास द्वीप वो हो गया और हैवलॉक द्वीप जो है वो स्वराज द्वीप हो गया। और उसके बाद है, ये एक ठो प्रश्न का जवाब दीजिए
सरहुल पर्व, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल पर्व, अरे बेटा बदलने की कोई सीमा ही नहीं है, इतनी ज्यादा बदले गए हैं कि फिर कहिए मत। सरहुल पर्व किस राज्य का त्योहार है? सरहुल पर्व बिल्कुल झारखंड का त्योहार है, झारखंड का त्योहार है। अच्छा ये बताइए कि देखिए हम लोगों का जो आवर था वो खत्म हो चुका है, तो क्या मैं इसको अगले 10 क्वेश्चन में कंटिन्यू करूं कि रोक दूं? क्योंकि आप लोग बोर नहीं होने चाहिए, बात एक दिन की नहीं, अगर आप बोर होने शुरू कर दिए हैं तो खत्म कर दिया जाए, और अगर लगता है कि नहीं कंटिन्यू रखा जाए तो 40 से 50 कर दें। चलिए तो कंटिन्यू ही करना है तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए, नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न ये कहता है कि गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा ये पर्व कहां का है? गुड़ी पड़वा पर्व ये कौन से राज्य में, कौन से राज्य में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है बताइए? अरे यार बड़ा तेज है आप लोग, बार बार लग जा रहा है कि आप लोग तेज हैं। गुड़ी पड़वा पर्व बिल्कुल सही, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि दीपावली को शोक का पर्व कौन जनजाति मनाती है? दीपावली को शोक का पर्व के रूप में कौन जनजाति मनाती? दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में कौन जनजाति मनाती? रावण के पूर्वज। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कि लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? लोसांग कठिन है, लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? लोसांग, लोसांग उत्सव बहुत बढ़िया, ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, काफी लोगों ने सही बताया लेकिन आंसर पिछली बार की तुलना में कम आए क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न ये बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
उपभोक्ता अधिकार दिवस किस डेट को मनाया जाता है? सौरवानंद, रंजना, नेहा, अनुपमा, दिव्या, प्रीति, कृष्णा, प्रज्ञा, भीम। ये बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। ये 15 नवंबर को है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। अरे 15 नवंबर को, 15 मार्च को, सॉरी 15 मार्च को मनाया जाता है ये उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक, 15 नवंबर को नहीं, 15 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बस अब 5 क्वेश्चन इसके बाद और रह जाएंगे। ये है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ आपके बिहार एपीयू में ही काम नहीं करेगा, बिहार जे में भी काम करेगा, यूपी में भी काम करेगा। तो ये आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें और प्री में भी काम करेगा, स्वाभाविक सी बात है। ये मेंस के लिए ही सिर्फ नहीं है, प्री के लिए भी ये सारे प्रश्न आते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होगा वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत सही, 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस ये डेट बताइए आप। विश्व रक्तदान दिवस किस डेट को मनाया जाता है? रक्तदान, गर्मी के दिनों में रक्तदान कर देना चाहिए, हैं? अब गर्मी में कौन सा महीना और कौन सी तारीख होगी ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, अगर मान लीजिए कैंप लगे 14 जून को, तो आप 18 जून को जाके नहीं ना रक्तदान कर देंगे भाई, सही है ना? रक्तदान दिवस 14 जून को गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। हाँ आपका सही है, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है ये बताइए आप। चलिए ये भी आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, सर्बानंद सोनेवाल नहीं है वो। हेमंत विश्व शर्मा, बहुत सही सब लोगों ने बताया है, हेमंत विश्व शर्मा। चल अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन से बस 2 क्वेश्चन दूर हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एक वरुण सैन्य अभ्यास हुआ था, वरुण सैन्य अभ्यास हुआ था, भारत और किस देश के बीच है ये? वरुण सैन्य अभ्यास भारत और कौन से देश के बीच में हुआ था? ये भारत और कौन से देश के बीच हुआ था? मैं देख लूं आंसर आपका। प्रीति,
भीम, अनुपमा, नेहा, अजय, सुभद्रा, उजाला, देश पे पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ था। चलिए 49वां प्रश्न देख लीजिए आज का, और 49वां प्रश्न है कि माधवी पूरी बुच ये कौन है? माधवी पूरी बुच ये कौन है बताइए। माधवी पूरी बुच हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेबी की अध्यक्ष है, सेबी की अध्यक्ष है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का बचता है, और वो हम लोगों का लास्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, पहली महिला जज कौन, क्या नाम है उसका? आयशा अजीज, अरे आयशा मलिक है ना, और एक आयशा अजीज भी नाम सुनते होंगे। तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे युवा महिला पायलट अगर नाम पूछा जाए तो वो भी आयशा ही है, आयशा अजीज है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो पाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं वो है आयशा मलिक। तो इन दोनों में अंतर कर लीजिए, बस इतना अंदाज लगा दीजिएगा कि शोएब मलिक की बुआ की लड़की, इस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि शोएब मलिक वहां का क्रिकेट खिलाड़ी, तो शोएब मलिक के घर की हैं तो मलिक होंगी। तो ठीक है, फिर आज का सेशन कैसा रहा इसको रिस्पॉन्ड करिए कि क्या हम लोग कल भी, वैसे आप लोगों को रिस्पॉन्स देख के मुझे लग रहा है कि आगे ये कंटिन्यू करने लायक है, तो 6:30 बजे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल परसों नरसों 2-3 दिन कम से कम तो करेंगे। और बेटा, और इसको ज़्यादा क्लास लंबा हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमको तुरंत 2 घंटे की क्लास रेगुलर लेनी, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता, नहीं तो एक तो मैराथन की तरह 3-4 घंटे की क्लास करते हैं हम लोग। हाँ, इस सप्ताह में मैं आप लोगों को जितना भी संभव हो पाएगा 4:30 बजे से रोज ये क्लास रख लेते हैं, और ये सबके लिए फायदेमंद है क्योंकि जीएस की बड़ी आसान थोड़ा सा पीसीएस की अपेक्षा रहता है, लेकिन सोर्स पढ़ने के जुडिशियरी के लिए बहुत कम मिल पाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अगर कभी मन किया तो नजदीक आ जाएगा 3-4 दिन, तो एक दिन 3-4 घंटे की भी क्लास कर लेंगे हम लोग, अगर ऐसे आप लोगों की एनर्जी बनी रही तो कोई दिक्कत नहीं होगी 4 घंटे की क्लास करने, लेकिन अभी तुरंत बाद में क्लास है ना। अच्छा, माइनर का मैराथन, एक एक एक्ट का, चलिए वो भी देख लेते हैं, लेकिन अब यूट्यूब यार फिर कितना ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
तो मैं आप लोग जाइए, नाश्ता पानी करिए, चाय वाय पीजिए, शाम का समय घूम लीजिए थोड़ा सा, फिर बैठ के पढ़िएगा आराम से। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।